भारतीय टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर पद छोड़ने के बाद सभी से विदाई ली। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। गंभीर और केकेआर का साथ काफी पुराना है। उन्होंने पहले अपनी कप्तानी में टीम को दो बार आईपीएल का खिताब दिलाया था और फिर मेंटर के तौर पर भी सफलता दिलाने में सफल रहे थे। गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और फैंस का आभार व्यक्त किया। इस दौरान गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कोलकाता के साथ अपने मजबूत रिश्ते की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह टीम की जीत उनकी जीत होती थी और जब कोलकाता के प्रशंसकों के आंखों में आंसू होते थे तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। मालूम हो कि गंभीर दो सीजन तक लखनऊ सुपर जायंट्स के भी मेंटर रहे थे और इसी सीजन वह दोबारा कोलकाता टीम से जुड़े थे। गंभीर श्रीलंका के खिलाफ इस महीने के अंत में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज से कार्यभार संभालेंगे। गौतम गंभीर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, चलिए कोलकाता नई विरासत का हिस्सा बने। यह कोलकाता और केकेआर के प्रशंसकों के लिए समर्पित है। बंगाल क्रिकेट संघ का विशेष रूप से आभार। उन्होंने कहा, जब आप हंसते हैं मैं हंसता हूँ, जब आप रोते हैं मैं भी रोता हूँ। आपकी जीत मेरी जीत है और आपकी हार में मेरी हार है। जब आप सपने देखते हैं मैं भी ऐसा करता हूँ। आपकी उपलब्धि ही मेरी उपलब्धि है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मैं आप हूँ। मैं आपका हूँ कोलकाता। मैं आपसे ही एक हूँ। मैं आपके संघर्ष देखे हैं और मुझे पता है कि कितना दर्द होता है। उन्होंने कहा, आपकी ही तरह सफलता मुझे दर्द देती है। मैं आशा के साथ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ, लेकिन आपकी तरह हार नहीं मानता। वे मुझे लोकप्रिय बनने के लिए कहते हैं और मैं उन्हें विजेता बनने के लिए कहता हूँ। मैं आप हूँ कोलकाता। मैं आपसे ही हूँ। ये कोलकाता की हवाएं मुझसे बात करती हैं। ये आवाज़ यहाँ के स्ट्रीट और ट्रैफिक जाम, ये सभी बताते हैं कि आपको कैसा लगता है। आप जो कहते हैं मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे पता है क्या आप चाहते हैं। मुझे पता है आप भावुक हैं और मैं भी। मुझे पता है आप मांग करते हैं। कोलकाता हमारे बीच एक रिश्ता है। हम एक कहानी है। हम एक टीम है। इस दौरान गौतम गंभीर ने कर के फैन से भारतीय टीम के मुख्य कोच के लिए सहयोगी मांगा है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, और अब समय आया है जब हम विरासत को आगे बढ़ाएंगे। समय आ गया है जब हमें कुछ बड़ी और दिलचस्प स्क्रिप्ट लिखनी है। यह स्क्रिप्ट पर्पल स्याही से नहीं बल्कि नीली स्याही से लिखी जाएगी। हम दोनों ही नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कभी अकेले नहीं चलेंगे। हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। यह तिरंगे के लिए होगा, यह हमारे भारत के लिए होगा।